बवाल है। तो आ गया, हमारा फाइल आ गई, ठीक है, सॉरी इधर। तो गेट पार्ट के थ्रू फाइल आती है, ठीक है, और देन ऑल्ट शिफ्ट एल करेंगे तो पार्ट के फॉर्म में डेटा मिल जाएगा, पार्ट इन द फॉर्म ऑफ पार्ट, ठीक है। अब मुझे ओरिजिनल फाइल अगर निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, पार्ट गेट सबमिटेड फाइल नेम, ठीक है। तो गेट सबमिटेड फाइल नेम से क्या होगा कि आपकी जो फाइल का नाम होगा वो मुझे मिल जाएगा। फाइल अपलोड करने के लिए फाइल का नाम तो चाहिए ना हमें, ठीक है। तो यहां मुझे फाइल का नाम मिल गया, पार्ट डॉट गेट सबमिटेड फाइल नेम, फाइल का नाम मिल गया। अच्छा, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम तुरंत यहाँ पे मैं पेंट में लिख देता हूँ, पहले फ्लो क्या होगा। ये जैसे मान लीजिए हमारा सर्वलेट है, तो सर्वलेट पे हमने पहले क्या किया, गेट पार्ट किया, ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट गेट पार्ट ऑब्वियसली, तो मुझे पार्ट पी मिल गया, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ पार्ट मिल गया। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं पहले तो पी डॉट गेट सबमिटेड फाइल कर लूंगा, सबमिटेड फाइल नेम, तो मुझे फाइल का नाम मिल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में हमें फाइल का नाम मिल गया, चलिए str नहीं, ठीक है, फाइल का नाम मिल गया। अब सबसे पहले मैं इस फाइल के नेम को जाऊंगा और डेटाबेस में स्टोर कर दूंगा, ये अपना डेटाबेस इंजन हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करूंगा मैं, देखिए यहाँ पे जो फाइल का नाम है वो डेटाबेस में डालूंगा। क्यों पहले फाइल का नाम डाल रहा हूं, क्योंकि अगर मान लीजिए पहले आपने एक्चुअल फोटो अपलोड कर दी, ठीक है, एक्चुअल फोटो आपने अगर अपलोड कर दी और उसके बाद आप फाइल उसका नाम स्टोर करने गए डेटाबेस में और कोई एक्सेप्शन आ गया तो क्या होगा, मिसमैच ऑकर नहीं हो जाएगा कि आपके फोल्डर में तो वो फोटो रहेगी मगर डेटाबेस में उसका नाम नहीं रहेगा, समझ रहे ना, नहीं समझ आया, बोलिए। नहीं सर, फिर से एक बार बताए ना। हमने क्या किया, पहले हम जो जो फोटो का नाम मैंने निकाला, मान लीजिए फोटो का नाम जो है वो है कुछ भी, राहुल डॉट जेपीजी, मान लो कोई नाम है, ठीक है, तो ये राहुल डॉट जेपीजी जो नेम है ना, ये इस नेम को पहले हम इधर स्टोर कर देंगे, ठीक है। और स्टोर करने के बाद डाओ मुझे बताएगा कि सक्सेसफुली स्टोर हुआ है कि नहीं हुआ है, ये बताता है ना कि हाँ इंसर्टेड और नॉट। तो मैं हाँ बोलूंगा इफ इफ इट इज इंसर्टेड, ठीक है, मैं बोलूंगा इफ इंसर्टेड, अगर इंसर्ट हुआ है देन फाइल आयो का, फाइल आयो के थ्रू हम क्या करेंगे, फोटो को एक्चुअल में सेव करेंगे, जावा में समझ रहे ना। हाँ इधर डेटाबेस में करेंगे सर, जावा में करेंगे अपने। नहीं, डेटाबेस में नहीं, फाइल आयो के थ्रू डायरेक्टली सर अपना फोल्डर में, ठीक है। तो फोटो का नाम कहाँ जाएगा, डेटाबेस में, और फोटो जाएगी फोल्डर में। अब मैंने मैंने पहले फोटो का नाम सेव किया, ठीक है, पहले हमने फोटो का नाम सेव किया देन एक्चुअल फोटो सेव किया, इसलिए क्योंकि मान लो आपने फोटो सेव कर दिया, ठीक है, क्योंकि फाइल आयो में एक्सेप्शन आने के कोई चांस नहीं रहेंगे हमारे, हमने पाथ वाथ सब करेक्ट दे दिया, अगर एक बार टेस्टिंग पर्पस टेस्टिंग हमने कर लिया सारा, अगर फाइल आयो सही चला तो फाइल आयो में एक्सेप्शन नहीं आता क्योंकि सब कुछ तो फिक्स रहता है ना, लेकिन डेटाबेस में एक्सेप्शन आने के चांस रहते हैं, क्या पता डेटाबेस ही बंद हो, ठीक है। अब मान लो डेटाबेस बंद है और आपने एक फोटो अपलोड मारी, अगर हम पहले ही फाइल आयो चला दें और बाद में नाम सेव करें तो प्रॉब्लम ये होगी कि आपकी जो फाइल है वो फोल्डर में तो चल जाएगी ना, और नाम डेटाबेस में जाएगा नहीं, तो मिसमैच नहीं होगा, बताइए।
अगर आपको राहुल डॉट जेपीजी फाइल है वो फोल्डर में है, लेकिन राहुल डॉट जेपीजी नाम का कोई भी फाइल नेम आपके डेटाबेस में नहीं है, तो हम गेट कैसे करेंगे? समझ आ रहा है? हाँ सर, नाम यूजर से ही थोड़ी गेट देख, करने, नाम से ही गेट करने वाले ना हाँ डेटाबेस से। ना वही ना, नाम से ही गेट करने वाले हैं। तो इसलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये इंश्योर करेंगे कि सक्सेसफुली डेटाबेस में ऑपरेशन हो रहा है या नहीं। अगर डेटाबेस में सक्सेसफुली ऑपरेशन हो रहा है तभी हम फाइल आयो के पास जाएंगे। क्लियर है ये बात सबको? ओके सर, हाँ सर। ठीक है, तो ये बात क्लियर है तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले डाओ के पास भेज देंगे। तो डाओ के पास मैंने भेजा, अगर इसको तो सबसे पहले वहां पे हमारे पास टेबल वेबल तो होना चाहिए ना, यस सर, तो एक टेबल वेबल बना लेते हैं इधर खटाक से। न्यू नाम रख देते हैं प्रोजेक्ट। अरे यार बहुत हैंग मार रहा है सर लाइट आ यार, गई, मेरे आएगी को नहीं? 15 मिनट अभी तो नहीं आई, आएगी तो मैं चार्ज वार्ज पे लगा हुआ, ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा चार्ज होना, सब कनेक्शन फिट है। प्रोजेक्ट मैं नाम देता हूँ उसका प्रोजेक्ट, और इसमें मैं 3 ले लूंगा, एक ले लेता हूँ SN, एक ले लेता हूँ फाइल नेम, एक ले लेता हूँ मैं डेट। सर वेर, हाँ बोलिए। अरे ये ऑटो जनरेट SN ओरेकल में कैसे करते पता है क्या आपको? यार SN ऑटो जनरेट ओरेकल में कभी ट्राई नहीं किया हूँ, लेकिन वो लेफ्ट साइड में ऊपर में ना एक ऑप्शन रहता है, मतलब SN वहाँ ऑटोमेटिक दिखता है, वो ऑटो ऑटोमेटिकली होता है, नहीं सर, उसके लिए क्वेरी अब है, मैंने कभी वो ट्राई एयर नहीं शो किया है। करता बस है। ऑटो इंक्रीमेंट ओरेकल में हाँ मैंने देखा नहीं यार, कभी किया नहीं है, देखना पड़ेगा मुझे एक बार। गूगल गूगल वगैरह पे चेक की कुछ मिला? कुछ नहीं सर, सेम है सब क्वेरी, बट फिर भी एरर शो कर रहा मेरे इसमें। देखूंगा फिर। मैंने तो MySQL पे ही ज्यादा काम किया है। अनुराधा मैम से पूछो ना फोन लगा के, एसक्यूएल अपने 15 मिनट बाकी है, ले लो ये टॉपिक खत्म, नहीं तो इसी अटक जाएगा। एसक्यूएल हाँ ट्रेनर मैडम को फोन लगाया जाए, कॉन्फ्रेंस पे लें, कुछ ना कुछ तो बताएंगी। अरे सर, उनका पाइथन बैच चालू है सर। अच्छा कल के क्लास में बता देंगे ऐसा, वो फिर। एक काम करते हैं आज हम, देखो लाइट आने दो, आज शाम में हम ना ओरेकल इंस्टॉल करते हैं, देखते हैं कुछ ना कुछ जुगाड़ तो लगे। ऐसा थोड़ी होगा नहीं होगा, और नहीं होगा ना तो घबराइए मत, हाइबरनेट अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, वहां पे जावा से ही डाल देंगे। ठीक है, तो अल्टीमेटली काम हो जाएगा, मैं देखूंगा ना सौरभ। ठीक है सर, फिलहाल के लिए तो हम लोग सेव कर लेते हैं इसको। लाइट आ जाओ भाई। अरे प्रोजेक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट का बोल रहा भाई। अच्छा SN, अरे हाँ SN हो गया, फाइल नेम हो गया और डेट भी हो गया है ना। तो SN हो गया, फाइल नेम हो गया और डेट भी हो गया नाउ। अब क्या करेंगे हम लोग, इधर आते सर हैं और यहाँ से डाओ पे चले। हाँ ये बोलिए। लैपटॉप आपका बंद हो जाएगा तो क्लास बंद हो जाएगी। देखो लैपटॉप अगर बंद हो गया ना, आप लोग तो घर से ही कर रहे हो, आप लोगों को कोई काम धाम है अभी शाम में? नहीं सर, हाँ सर नहीं ना, तो है सर। क्या सर, तुमको कुछ ना कुछ काम रहता है सर, ले लेंगे ना शाम में क्लास ले लेंगे, और क्या लैपटॉप बंद हो जाएगा। सर ओके सर, काम है सर हाँ शाम में सर। सर जिम रहता है सर, जिम अब नहीं सर, मुझे देखते हैं ना। प्रोजेक्ट अरे बनाना है सर, चलो सोनी का चलो, कटिंग अभी मशीन अभी हम बनानी है लोग जितना हो सकता है उतना हम लोग करते हैं, हम सर। आपको टाइम ग्रुप पे देखिए इन्फॉर्म कितना कर देंगे। कितना बचा सर, टाइम देखिए कितना बचा है। अरे अभी चलेगा चलेगा, अभी 13 मिनट चलेगा। सर ये वाला भी तो आप कर रहे हो, पिछली बार किए इतने वैसा ही करना है ना? अभी फाइल ऐसे वो फाइल इनपुट ले लेंगे हम, और उसके बाद ये जावा के हाँ फोल्डर में हाँ इधर सेव करके फिर वो चेक गेट करेंगे नाम से, हाँ हाँ वही ना वैसा ही सर? करना है।
हाँ ठीक।